AS29 का रिवीजन करते हैं। AS29 के अंदर तीन टॉपिक्स कवर होती है, वन इज प्रोविजन, अनदर इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड द थर्ड वन इज कॉन्टिंजेंट असेट। सो लेट मी स्टार्ट विथ प्रोविजन। किसको बोलते हैं प्रोविजन? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी विच कैन ओनली बी मेजर्ड बाई यूजिंग सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। लायबिलिटी होना जरूरी है और अमाउंट अगर आपको नहीं पता हो ईयर एंड में जब आप बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करने जा रहे हो, अमाउंट अगर आपको नहीं पता हो, अमाउंट अगर आप एस्टिमेट करके निकाल रहे हो, देन ओनली समथिंग कैन बी ए प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल, ए क्रेडिटर फॉर गुड्स कैन नॉट बी ए प्रोविजन, इट्स ए लायबिलिटी बट इट इज नॉट रिक्वायरिंग एनी एस्टिमेशन। ए लोन टेकन इज नॉट ए प्रोविजन बिकॉज यू नो द एग्जैक्ट अमाउंट। लेकिन रिपेयर में कितना खर्चा लगेगा, प्रोविजन फॉर रिपेयर लायबिलिटी, जिसको वारंटी बोलते हो, तो वारंटी कॉस्ट तेरा कितना लगेगा वो तुमको कभी भी नहीं मालूम, तुम एस्टिमेट करके ही उसका प्रोविजन बनाओगे। सो प्रोविजन की दो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वन इट हैज टू बी अ लायबिलिटी, टू इट मस्ट बी मेजर्ड बाय यूजिंग एस्टिमेशन। इस AS29 में प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कवर नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के अंदर लायबिलिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये दोनों रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द असेट है, ये असेट के वैल्यू को गिरा देते हैं, ये लायबिलिटी नहीं है कि हमें किसी को पे करना पड़े। इसलिए ये दोनों प्रोविजन, जिनके नाम के पीछे प्रोविजन है, लेकिन ये AS29 के प्रोविजन को अटैच या अट्रैक्ट नहीं करते, ये दोनों सेपरेटली डिस्कस्ड होते हैं, 29 AS 29 में डिस्कस्ड नहीं होते। अब आता है कि प्रोविजन का बुक्स में रिकॉर्डिंग कब होता है, व्हाट आर द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया विच मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर ए प्रोविजन टू बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। ऑब्वियसली जब भी प्रोविजन रिकॉर्ड होगा ना, P&L अकाउंट डेबिट होगा एज एन एक्सपेंस और लायबिलिटी क्रेडिट होगा एज ए प्रोविजन। मतलब अगर मान लो मैं प्रोविजन फॉर वारंटी कॉस्ट बना रहा हूं, तो प्रोविजन फॉर वारंटी कॉस्ट तो लायबिलिटी हो गया और मेरा खर्चा भी तो है ना, तो एक्सपेंस विल बी डेबिटेड एंड लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। तो PL2 प्रोविजन बोलकर के जर्नल एंट्री होती है, चाहे कोई भी तरह का प्रोविजन बने, एंट्री PL2 प्रोविजन होती है। एक तो वो PL को हिट करता है, बैलेंस शीट को लायबिलिटी में हिट करता है, दो चीज हिट होना चाहिए ना। तो वन इज द एक्सपेंस विच गोज टू P&L एंड वन इज द लायबिलिटी विच गोज टू द बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट। अब आइडिया है कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है। AS29 कहता है कि एक प्रोविजन हम बुक्स में सिर्फ तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे अगर देयर इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मींस आज के दिन माथे में जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी किसी पास्ट इवेंट की वजह से आई है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने माल बेचा तो मेरे को वारंटी देना पड़ा, अब मेरे को रिपेयर का माथा में टेंशन है क्योंकि मैंने माल बेचा है। सो देयर मस्ट बी ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट। अगर ये होगा तभी आपको प्रोविजन बुक्स में लिखना पड़ेगा, ये नहीं होगा तो आप प्रोविजन नहीं लिखेंगे। तीन कंडीशन है, तीन क्राइटेरिया है। इफ ऑल द थ्री आर फुलफिल्ड देन ओनली ए प्रोविजन कैन बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। सेकेंड क्राइटेरिया है, इट मस्ट बी प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। माथे में जो ऑब्लिगेशन है उसको सेटल करने के लिए रुपया का आउटफ्लो होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2% इज ए प्रोबेबिलिटी, 9%, 19, 27, 82, 76, कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी तो 100 के अंदर अंदर होती है, मैक्सिमम 100 होती है, मिनिमम 0 होती है। तो प्रोबेबिलिटी मस्ट बी मोर देन 50%, माने रुपया लगेगा इसके चांसेस मोर देन 50% होने चाहिए। अब आप बोलेंगे सर अगर नहीं हुआ तो, प्रोबेबिलिटी कम हुआ तो आंसर इज प्रोविजन लायबिलिटी के रूप में बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। भले अदर टू क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड बट इफ दिस क्राइटेरिया इज फेल्ड, बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा हम आपको रिविजन में बताएंगे। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज ए रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। मतलब आप भरोसे के साथ एक अमाउंट का एस्टिमेट कर पा रहे हैं। मतलब आप बोलेंगे मेरा 20 लाख खर्चा होगा, तो वो 20 लाख खर्चा होगा वो आपका अप्रोक्सीमेटली करेक्ट होना चाहिए, कम बेसी होगा, देयर विल बी स्टैंडर्ड एरर, बट यू मस्ट बी हैप्पी, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट दैट इसी के आसपास मेरा खर्चा होगा।
सो योर एस्टिमेट मस्ट बी रिलायबल. सो इफ दीज थ्री क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड देन ओनली ए प्रोविजन कैन बी रिकग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू पास दिस वाला जर्नल एंट्री PL2 प्रोविजन. अब द क्वेश्चन कम्स इफ एनी ऑफ दीज क्राइटेरिया आर नॉट फुलफिल्ड तो क्या करना है. आंसर इज इन दैट केस इट विल बी डिफाइंड एज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और फिर इट दैट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स. कहते हैं ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वेयर आइदर द प्रोबेबिलिटी वॉज लेस देन इक्वल टू 50% और द रिलायबल एस्टिमेट कुड नॉट बी मेड. तो अगर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो अगर कम है या एस्टिमेट हम रिलायबली नहीं कर पा रहे हैं तो उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोलेंगे और उसका नोट्स में डिस्क्लोजर करेंगे. वैसे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के और भी डेफिनेशंस हैं, जब हम थोड़ा आगे जाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे. सो नाउ द पॉइंट इज अगर प्रोविजन बुक्स में लिखना है तो ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल होना पड़ेगा. तो मान लो तीन क्राइटेरिया फुलफिल हो गया और हमने प्रोविजन का जर्नल पास कर दिया, प्रोविजन मेरी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला गया और मेरे पीएल में एक्सपेंस के साइड में चला गया. अब आगे का डिस्कशन कि मान लो मैं टीवी बेचता हूं और बहुत सारा टीवी बेचता हूं, मेरे को वारंटी देना पड़ता है 1 ईयर वारंटी. तो ईयर एंड में मेरा साल भर में जितना भी रिपेयरिंग का खर्चा लगा, सच्ची में जो लगा, वो तो मैंने पीएल में भेज दिया रिपेयर्स टू बैंक बोल के. अब मेरे को ईयर एंड में प्रोविजन करना पड़ेगा कि जो मेरा अगला साल रिपेयर होने के लिए, जो इस साल मैंने टीवी बेचा उसका अगला साल जो टीवी रिपेयर होने के लिए आएगा उसका मैंने प्रोविजन बना लिया और मान लो मेरा प्रोविजन बना 30 लाख रुपया. अब पहला क्वेश्चन है कि जो 30 लाख रुपया का मैंने वारंटी कॉस्ट, WC फुल फॉर्म, वारंटी कॉस्ट का जो मैंने प्रोविजन बनाया, ये हम सिर्फ वारंटी कॉस्ट के लिए ही यूज करेंगे, कोई मेरा अर्थक्वेक में जो लॉस हुआ उससे इसको एडजस्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो मैंने कोई भी चीज का प्रोविजन बनाया से 40 लाख, खर्चा मान लो 2 या 3 साल बाद होने वाला है पर सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, अगले ईयर एंड में मेरे को लगा नहीं मेरा खर्चा तो 45 लाख हो जाएगा तो मेरे को एडिशनल प्रोविजन बनाना पड़ेगा. कहते हैं कि हर ईयर एंड में प्रोविजन के अमाउंट को रीअसेस करना पड़ता है और अगर एडिशनल प्रोविजन बनाने की जरूरत पड़े तो बनाना भी पड़ता है. और अगर ऐसा भी होना कि प्रोविजन को कम करना पड़ा, 38 करना पड़ा, तो उल्टा एंट्री भी पास करना पड़ता है बिकॉज ईयर एंड में अगर लायबिलिटी गिरा तो हम गिराएंगे, इसका एंट्री उल्टा पास करेंगे, लायबिलिटी अगर बढ़ा तो हम बढ़ाएंगे भी. अब आया बात कि सर अगर मेरा खर्चा लगेगा 70 लाख, सारा कंडीशन फुलफिल है, हम प्रोविजन बनाने जा रहे हैं और कहीं से मान लीजिए गवर्नमेंट से हमको 50 लाख रुपया मिलने की भी उम्मीद है इसी खर्चा के अगेंस्ट में, तो हम क्या करेंगे. एएस बोलता है कि ये जो 50 लाख है इसका नाम होगा रीइंबर्समेंट. फिर बोला कि अगर रीइंबर्समेंट वर्चुअली सर्टेन है कि ये खर्चा अगर लगेगा तो ये तुमको मिलेगा ही मिलेगा, अगर सियोरिटी लेवल इस तरह का है कि मिलेगा ही मिलेगा, वर्चुअल सर्टेनिटी मोर देन 95% की प्रोबेबिलिटी को बोला जाता है, मोर देन 95%. तो अगर आप वर्चुअल सर्टेन है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा तो आपको ये करना है. अगर आप वर्चुअल सर्टेन नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, इसका अकाउंटिंग में बात ही मत कीजिएगा. बट इफ यू आर वर्चुअली सर्टेन दैट दिस 50 यू विल रिकवर, देन यू विल डू टू थिंग्स. वन, पीएल में आप प्रोविजन बनाएंगे 20 लाख का, 20 समझ गए होंगे. टू, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 70 लिखेंगे, एसेट साइड में 50 लिखेंगे. दी एंड. लायबिलिटी का जब पेमेंट होगा 70 पेमेंट हो जाएगा, असेट का जब रिकवरी आएगा तो बैंक टू असेट हो जाएगा. दोनों को अलग अलग साइड में दिखाने का रीजन यही है कि लायबिलिटी का पेमेंट आगे पीछे होता है, असेट तो हमेशा बाद में ही रिकवरी होती है. अब आया बात कि सर हम कोई एंटिटी हैं, हमको लग रहा है कि फ्यूचर में मेरे को बिजनेस में ऑपरेटिंग लॉसेस हो सकता है तो क्या हम उसका प्रोविजन बना दें. आंसर इज नो. जब होगा तब प्रोविजन बनाएंगे.
जब होगा तब लॉस लिखेंगे। क्यों सर? क्योंकि कोई पास्ट इवेंट नहीं है, देर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट। फ्यूचर में लॉस होगा, तुम माल बनाओगे या महंगा में खरीदोगे सस्ता में बेचोगे, ऐसा ही तो कंडीशन है, या जो माल है उसका दाम गिरता जा रहा है, स्टॉक इन हैंड नहीं, मतलब तुम जो फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे उसका दाम गिरता जा रहा है, पर अभी तो तेरे पास कोई स्टॉक नहीं है ना, तुम H2 में तो नहीं है ना, तुमको लग रहा है आने वाले सालों में मेरे को लॉस होगा क्योंकि बिजनेस का एनवायरमेंट खराब है, तो क्या हम प्रोविजन बना दे? नो, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड पास्ट इवेंट। अब आया लास्ट पॉइंट, कि दो तीन पॉइंट और है प्रोविजन का, कि सर रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं हम अपने पूरे मैनुअल वर्क को कंप्यूटर में शिफ्ट करने वाले हैं, इसके पीछे मेरा खर्चा लगने वाला है 20 लाख रुपया, प्रोविजन बना दें? आंसर इज यस, इफ यू आर कमिटेड टू द प्रोविजनिंग, कमिटेड टू द रिस्ट्रक्चरिंग। अगर आप कमिटेड हैं कि आप रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे ही और आपका डिसाइडेड हो गया, तो जो कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग है खाली उसी का प्रोविजन बनाइएगा, जो आपका रेगुलर खर्चा लगता है हमेशा बिजनेस में, सैलरी रेंट प्रिंटिंग, इसका प्रोविजन मत बनाइएगा, खाली रीस्ट्रक्चरिंग में जो खर्चा लगेगा उसका प्रोविजन बनेगा, और असेट उसेट जो कंप्यूटर खरीदेंगे उसका प्रोविजन नहीं बनेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो प्रोविजन विल बी फॉर द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड नॉट द कॉस्ट ऑफ योर ऑनगोइंग एक्टिविटीज। अगला पॉइंट आया कि सर मान लीजिए मेरे को ना असेट के रिपेयरिंग का लाइबिलिटी है माथे में और हम प्रोविजन बनाने जा रहे हैं 20 लाख रुपया, और सर मेरे को क्या लग रहा है कि अगर हम इस असेट का रिपेयरिंग करेंगे ना, तो उसके बाद इस असेट का जो रेसिजुअल वैल्यू है जिसको स्क्रैप बोलते हैं वो बढ़ जाएगा 3 लाख रुपया से, तो मेरे को जो एक्सपेक्टेड डिस्पोजल वैल्यू है वो 3 लाख से बढ़ जाएगा, तो क्या हम प्रोविजन 17 लाख का बना सकते हैं इस 3 लाख के इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड डिस्पोजल वैल्यू को रीइंबर्समेंट मानते हुए? आंसर इज नो, एक्सपेक्टेड इंक्रीज, एक्सपेक्टेड गेन इन द डिस्पोजल वैल्यू ऑफ एनी असेट इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल मेजरिंग द प्रोविजन। आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते समय इसको 3 लाख को अपना स्क्रैप बढ़ा दो, हमको प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज डेप्रिसिएशन के एस में आपने पढ़ा था कि हर साल मेरे को स्क्रैप के वैल्यू को भी रिव्यू करना पड़ता, वो कर लो, लेकिन सो फार एज प्रोविजन बनाने की बात है, 17 लाख का प्रोविजन नहीं बनेगा, पूरे 20 लाख का प्रोविजन बनेगा। फिर आपको AS 10 पढ़ाते वक्त मैंने बोला था कि डीकमिशनिंग बोल के जो लाइबिलिटी है उसका भी प्रोविजन बनता है, क्योंकि वो 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब आप असेट को हटाते हो तब आपका वो खर्चा लगने वाला होता है और उसका अमाउंट आपको सर्टेनिटी के साथ पता नहीं होता, तो आपको उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो वो प्रोविजन आपको याद होगा, वो प्रोविजन आप PV बना करके, मतलब 10 साल बाद जो असेट को डिस्पोजल में जो खर्चा लगेगा, जो डिकमिशनिंग में खर्चा लगेगा, उसको आज के PV पे लाया जाता है फिर लिखा जाता है। तो इस एक आइटम का डिस्काउंटिंग छोड़ करके AS 29 और किसी भी प्रोविजन का डिस्काउंटिंग करने नहीं बोलता, ओनली द डिकमिशनिंग लाइबिलिटी नीड्स टू बी डिस्काउंटेड फॉर एंड नो अदर प्रोविजन कैन बी डिस्काउंटेड इन डिस्काउंटेड एज पर AS 29। तो क्योंकि डीकमिशनिंग लाइबिलिटी का सारा अकाउंटिंग प्रोसेस हम डेप्रिसिएशन वाला उसमें AS 10 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बता दिए, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आया बात कि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का क्या करना है। द आंसर इज, पहले कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के दो डेफिनेशन सुन लीजिए। एक तो हुआ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन, जैसे बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मच्योर्ड, फ्यूचर में पैसा देना भी पड़ सकता है नहीं देना पड़ सकता है, पेंडिंग कोर्ट केसेस, हम हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रॉफिट हुआ तो देंगे प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे, गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ योर फ्रेंड, फ्रेंड डिफॉल्ट किया तो हमको देना पड़ेगा, डिफॉल्ट नहीं किया तो नहीं देना पड़ेगा, उस तरह का जितना कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, हम कंपनी बैलेंस शीट में भी बताएं आप लोगों को, उसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम ए पास्ट इवेंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड इन फ्यूचर बाय ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स विच आर नॉट विद इन आवर कंट्रोल, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल इज पेंडिंग कोर्ट केस। तो उस तरह की जितनी भी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है वो तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है ही है, बट देर आर सम न्यू कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज जो कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है
पर हम उसका प्रोविजन नहीं बना पाए क्योंकि उसमें आउटफ्लो की प्रोबेबिलिटी लेस देन 50% थी, या फिर हम रिलायबल एस्टीमेट नहीं कर पाए। मतलब ये जो क्राइटेरिया था ना, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये फेल हो गया, जिसके कारण प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होते हुए भी हम प्रोविजन नहीं बना पाए, उसको भी आज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के नाम से जाना जाता है एज पर AS 29। अब सर करना क्या है? आंसर इज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को नोट्स में डिस्क्लोज करना है। सर क्या क्या चीज? नेचर ऑफ द लाइबिलिटी और उसका एस्टीमेट। सर एस्टीमेट नहीं कर पाए तो इसके बारे में नोट्स में डिस्क्लोज कर दो कि हम इसका एस्टीमेट नहीं कर पाए। सर और आगे क्या करना है? अगला साल इसको रिव्यू करना है। सर अगर ये लाइबिलिटी सच्ची का लाइबिलिटी बन गया तो बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है। सर अभी भी कॉन्टिंजेंट है तो नोट्स में कंटिन्यू करो। और सर कॉन्टिंजेंट भी नहीं है और रियल भी नहीं बना, खत्म ही हो गया तो क्या करें? तो नोट्स में मत रखो, नोट से उड़ा दो, अब की बार वाले नोट्स में मत लिखो इसको। और लास्ट सर, अगर कोई ऐसा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है जिसमें हमारे आउटफ्लो की प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 5%, जिसको हम लोग बोलते रिमोट प्रोबेबिलिटी, माने घटिया होने का चांस नहीं है जिसका, तो उसको नोट्स में भी डिस्क्लोज मत करो। इफ द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस का प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 5%, वी कॉल इट रिमोट पॉसिबिलिटी। सो इफ देयर इज ए रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्टिंजेंट असेट्स। कॉन्टिंजेंट असेट का डेफिनेशन है कि कॉन्टिंजेंट असेट इज ए पॉसिबल असेट, वेरी सिमिलर डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट असेट इज ए पॉसिबल असेट द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड बाय फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स विच आर नॉट विद इन आवर कंट्रोल। जैसे हमने किसी के अगेंस्ट में केस फाइल किया तो मेरे लिए वो कॉन्टिंजेंट असेट है। जैसे हम इन्वेस्टर है, एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जो कंपनी के लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, मेरे लिए वो कॉन्टिंजेंट असेट है। तो कॉन्टिंजेंट असेट ना तो बुक्स में आता है ना ही नोट्स में आता है। अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर लोगों को लगा कि हमको डायरेक्टर रिपोर्ट में दिखाने का मन है, आप दिखा सकते हो, AS 29 आपको रोकेगा नहीं, पर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते एज एन असेट, नोट्स में डिस्क्लोज नहीं कर सकते एज ए कॉन्टिंजेंट असेट। डायरेक्टर रिपोर्ट में आप लिखते रहो, हम लोग नहीं रोकेंगे। सर आगे अगले साल रिव्यू करो। सर अगर रियल असेट बन गया तो हम जीत गए केस तो असेट में लिख दो, बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, इनकम रिकॉर्ड हो जाएगा क्रेडिट साइड में, असेट अकाउंट डेबिट टू इनकम हो जाएगा। और सर अभी भी कॉन्टिंजेंट ही है तो बस ना तो बुक्स में ना नोट्स में, डायरेक्टर रिपोर्ट में। तो सर कॉन्टिंजेंट असेट ना तो बुक्स में आता है और ना ही नोट्स में आता है, करेक्ट। और सर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नोट्स में आता है, करेक्ट। और सर प्रोविजन बुक्स में आता है, बैलेंस शीट के अंदर आता है, यस। और याद रखिएगा, प्रोविजन के केस में आप लोगों ने हमेशा सुना होगा रिकॉन्सिलिएशन एक होता है कि भाई मेरा ओपनिंग बैलेंस था 400, यूज किए 300, नया बनाए 420, तो क्लोजिंग हो गया 520, तो ये ओपनिंग, यूज, न्यू, क्लोजिंग, इसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। नोट्स में इसके डिस्क्लोजर आते हैं, वो डिस्क्लोजर आपको इसका देना पड़ेगा प्रोविजंस के केसेस में। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का कैसा डिस्क्लोजर देना है मैं पहले ही बता दिया। सो दिस इज द एंड ऑफ रिवीजन ऑफ AS 29। बाकी आपको मालूम है कैसे क्या एक्स्ट्रा पढ़ाई करना है। थैंक यू।